पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहां पितृ दोष है, एक रुपया कमाते हो सवा रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे अपना दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय। फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृ दोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृ दोष है, कोई कह रहा है पितरों का तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दे। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृ दोष आ गया, फिर वापिस पितृ दोष क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो रही भाई जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा है, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिर बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननंद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको, अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अलिदेव महादेव करेंगे। आप सात चावल के दाने या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन सात चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं
और तीन महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो सात चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला और उसका फल हमें प्राप्त हुआ कि नहीं। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन सात अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और पांचवा शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला। धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए। हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में जो शनिवार पड़ता है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष के शनिवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर में सदैव बना रहेगा, क्योंकि दर्शकों पीपल के वृक्ष में देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। यदि आप पितरों के निमित्त कोई भी उपाय कर रहे हैं तो 10 बजे के बाद आप करिएगा, सुबह के वक्त। यदि आपके घर में आपको लगता है कि पितृ दोष है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो श्राद्ध पक्ष के शनिवार के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। आप अपने घर से दर्शकों थोड़ी सी काली तिल और चावल, साथ में एक पुष्प और एक लोटस जल लेके चले जाइएगा। पीपल के जड़ में आपको ये तीनों सामग्री समर्पित कर देनी है, चावल, अक्षत और जो काला तिल है, ये पुष्प। अपनी कामना करते हुए, पितरों का ध्यान करके, पितरों से मनन करते हुए एक लोटा जल समर्पित करें। उसके पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शनिवार के दिन आप एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें। वो दीप आप लंबी बाती का भी लगा सकते हैं और गोल बाती का भी लगा सकते हैं। पितरों के लिए जब भी लगाया जाता है तो लंबी बाती का प्रयोग आता है, और जब भी प्रज्वलित कर दीप जलाएं तो दक्षिण दिशा में मुख करके आप दीप को प्रज्वलित कर दीजिएगा। सरसों के तेल का या घी का भी आप जला सकते हैं। सरसों का तेल का यदि आप दीप जला रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी काली तिल अवश्य मिला लीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देके हो जाएंगे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।